डमकट में जाइए अब इनके पोल खोल डोल जाइए अब सारी प्लानिंग के कैंसिल। जल्दी चले हर जाइया लामा लामा घूंघट काहे को डाला कौन मरी गौना संग मुंह कैली काला। तू कौन हो भौजी? हम तो चेलुआक भौजी हैं। और ये कौन है? ये यार साउना सरुआइन है। तो ये पेट काहे निकलल बा? अठर हम चला ता दीदी। अरे तू बड़ा उठावा के ललिया हमार देवाला सता दुबार बाहरा भतार देवाला सता देवाला तू सता देवाला तू सता ओ तू सता देवाला तू सता देवाला तू सता उठावा के ललिया हमार देवाला सता दुबार बाहरा मानत नहीं थे बात हमारे बहू से सतावता बेरी बेरी ढके हमार नस बैठावता मानत नहीं थे बात हमारे बहू से सतावता बेरी बेरी ढके हमार नस बैठावता घुसता घर में घुसता घर में घुसता घुसता घर में घुसता घर में घुसता देखता कोठरिया नार घर में घुसता देखता कोठरिया नार घर में घुसता बड़ी
मीट लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीट लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीट खुश दी पलक देवरा बाटे बड़ी सीता खुश दी पलक देवरा बाटे बड़ी सीता लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीट लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीट रहुआ चली गईनी परदेश मदमारे विपत के छोड़ गईनी हमारा कपार रहुआ चली गईनी परदेश मदमारे विपत के छोड़ गईनी हमारा कपार जाला ना बहरी रहे घरावा के भीतर जाला ना बहरी रहे लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीटर लगवा दी राजा जी हमारा लहंगा में मीटर झंड हो गई एक डाल पटल लड़की के बतिया छोड़ा शाहरुख खान और सलमान खान जैसन बॉडी बनाई और एरिया की लड़की हमें चुम 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 चुमा दी है पेट नहीं சொல்லு கரெக்ட்
बेटा दंड बैठक पेल पीछे से ग्रहण सत्र निकलता अब पिछाड़ी मारो हो गई जल्दी से जाओ नहीं तो कुछ मुस्त के भगोगे फिर आ गया दिमाग खराब करे भागता कहीं का माँ की नाता हम तो मुंह तोड़ दे भगवान क्या बोल रहे बाप लूह लगी जाई मैडम ताहरा मशीन में भौजी हो मेहरारूई सामान किनल मरद खातिर मुसीबत से कम नहीं है जब मेहरारू आ जाई ना तो ई है मुसीबत प्यार में बदल जाई पैसे भी देवर जी अच्छा बात बाकी तू अभी से प्रैक्टिस करे था ताकि दूरा निरानी के डिमांड पूरा करने में कोनो दिक्कत ना हो से का होई का जाई ई सब छोड़ ई बताओ इतना सबक सिंगर के समान काहेला मंगोले बड़ू भैया मुंबई से अवेले बड़े का ना वो तो बहरे बहर दरब कमाए अरब चल गई लन पैसा ऐसा नहीं चीज होला जे दिल में बसे वाला के इसे दूर कर देला लेकिन भाऊजी ये बताओ भैया जौन भी करे गए बड़े तहरे खाती अब पेटवे खाती करे गए बड़े वो आ जाई हैं आखिर हम बानी नू तू टेंशन का है ले बड़ू ये नाते तो हम टेंशन फ्री बानी हाँ लेकिन ये बतावा हाउ कम वर्किंग है करबू कथी उहे उहे आबाकी के पारा में भाउजी के करा खाती करबू भैया यार बकाई लेना आपकी के पारा में भाउजी के करा खाती करब भैया यार बगई लेना हो भैया यार बगई लेना तुझे जब रखे करासा में लड़बू भैया यार बगई लेना तुझे जी रखे करासा में लड़बू भैया यार बगई लेना अबकी के पारा में भाउजी के करा खाती करब भैया यार बगई लेना हो भैया यार बगई लेना तुझे जी रखे करासा में लड़बू भैया यार बगई लेना तुझे जी रखे करासा में लड़बू भैया यार बगई लेना उदास बाते कांदाना टूट गई गाना के बाद वाला सपना हम नहीं जाना के बारे जाहू बाबाना मम्मी से कह के हमारा कैसी गाना बबले याद करके भैया यार बगई लेना कपले याद करके सब के
धरब भैया यार बगई लेना हो भैया यार बगई लेना तुझे जब पर के कला संगी लड़ब भैया यार बगई लेना टेलीफोन चाहे चिठिया पे खाई कवन उपाय कहके उनके बोलाई उनका रहत बोला पैसे छूटा जाके चरबू भैया जल्दी जाइए ना तो भैया जल्दी जाइए ना तुझे जब पड़ाऊ न के संगे लड़बू भैया जल्दी जाइए ना तुझे जब पड़ा भैये संगे लड़बू ऊ तो जल्दी जाइए ना एक हजार के नो करी पदू हजार के साड़ी आंगन बाड़ी रे दी हल सघारावा बिगाड़ी तू कबो बेटी से पहले घर ना सके लेका माई तू तो जानते बड़ू चंदा बाई बाड़ी ना उमर के भेज लिए बाजारे आता ना मैं उनको सामाने की नहीं कर लो कि हमारा देरी हो गई लो अच्छा बेटा खाली गांव जबार के सेवा कैले से जिंदगी के गुजर बसर ना होगी समझला तू है अरे तू बड़ होगल बड़े तुम्हारा जिम्मेदारी तुम्हारे का समय आ गई बा पता नहीं कब बुद्धि हुई अरे यार ये बात तो हमारा दिमाग में अभी ना कही माई ठीक ही कहती है आखिर कब तक ले माई चूल्हा चौकी करी अब लगता बेटा साजन कि जिम्मेदारी संभाल ही के परी अब लगता पंडित जी से मिले ही के परी अच्छा पंडित जी ठीक बा कल चल आए असुलगन में शादी रचाले असुलगन में शादी रचाले अरे सचिन तू और ये मंदिर में का है हम मंदिर ना सकीले का कोनो भगवान से हमार मुकदमा चलता अरे ना बाबा ना हमार कहे के मतलब ऊ ना रहे बहुत हो गल खेलकूद अब जिम्मेदारी लेबे के समय आ गल बा यही से पंडित जी लगे आए रही है अपना शादी के बात करे सच कहता है साचिन ओ जे ये दूल्हा बन के आए ना वो दिन तेरा पता चली चला हट्टा जाए दा बहुत सारा तैयारी करे के बाद हसो लगन में शादी रचा है हसो लगन में शादी रचा तो हरे तुहरे ले आए
अपने दुल्हनिया तोके बनाइब पूरा करब हम रोज रोज के देखल सपनवा रानी हो रानी हो अब होई मिलनवा रानी हो अब होई मिलनवा रूप हम है जवानी रंगीन हमन के हवे कहानी तुहर रूप हम है जवानी रंगीन हमन के हवे कहानी अब ही रानी पारू अधूरा हमरा से मिल के हो जाए पूरा तोरा संगे अब जाग जाग के होई बिहनवा रानी हो हमके कहबू सजनवा रानी हो अब होई मिलनवा हम देखत सपनवा सैया हो राजा हो अब ले जा गवनवा सैया हो अब ले जा गवनवा रानी हो अब होई मिलनवा राजा हो अब ले जा गवनवा देना खाई दे मैं देखो ना रख हम कथी रे रख अरे का हो साजन का हाल चाल बा खुश रह अरे गोड़ लगा तनी कम लो बा आई बैठ पहला पंडित जी आई बैठे बैठे हां का हाल बा पंडित जी कैसे आगमन भयला सब ठीक बा बात ही बा कि खेलत कूदत तो साजन बेटा जवान हो गइल बाने इनका खातिर को बहुत बढ़िया रिश्ता लेके आइल बानी बस आपके मर्जी होए ते रिश्ता पक्का करा दियाई नहीं कुछ देखे सुने का जरूरत नहीं है और हमरा के साजन का ब्याह नहीं करेगी रुवा जाई नमस्ते अजब मुसीबत बा बेटा कहला ब्याह करा दा महतारी कहली ना जैसन रा और मर्जी प्रणाम हाँ ठीक बा माई तू ही न कहत रहलू कि हम घर के जिम्मेदारी संभाली लेकिन जब हम तैयार भईनी तब तू मना कर देलू शादी के जिम्मेदारी होला है भुलाइयो के कबो ब्याह करे के बारे में सोचिया मत ऐसन काहे कहत रे माई सब महतारी के दिल में ही श्रद्धा होला कि ओकरा बेटा के माथ पर मौत चढ़ू ओकरा घर में दुल्हन आऊ लेकिन तू दुनिया के पहला ऐसन महतारी बनू कि अपना बेटा के ब्याह करे से मना करत हां हां हम तो के मना करता नहीं काहे से कि तोहर ब्याह तय हो चुकल बा कमाल बा हमर शादी तय हो चुकल बा आई बात की हमरा कौनो पता नहीं खे ओ बखत तो बहुत छोट रहा बेटा यही से तरह कुछ याद नहीं खे लेकिन हमरा हमरा तो कुछ याद बा कहीं
हसमुख। हम सोचा था नहीं कि तोहरे द्वारे के वो फूल लिया के अपने बगीचा में सजा। मतलब ये विचार हमके साजन रानी का प्रेम देख के आयल है कि काहे न हमनी के आपन दोस्ती के रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। भाई साहब, इससे बढ़िया खुशी के बात और का हो सकेला। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हसमुख से पूछ ला कि कहीं इनके कौन एतराज न होके। भला हमें एमें का एतराज हो की? अरे बचपन का साथी अगर जीवन साथी बन जाइए तो जिंदगी सुख से कटे। अरे तो भाई साहब सुख काम में देरी का है ये भाई लबा। काम करे के बिछड़े के तो हो जाए ना वो भी दिन वहावे ना। बचपन के प्यारा बचपन के यारी पे के वो नजरिया लगावे ना। इतना खुशी का मौका बा तहरा चेहरा पर खुशी नहीं खे। भैया हम तो अपने जिंदगी से एकदम दुखी हो गए। अब तो जिए का हौसला भी हालत से नीचे नहीं खे उतर। अरे यार इस मौका पर मनहूसियत का बात मत करा, परेशानी का बा ही बतावा। भैया जिंदगी में तू लोगन का साथ तो मिल गई, लेकिन भाग्य न जाने कब हमारे साथ थी। कर्म भाग के बदल देला हसमुख। भैया जवन बिजनेस हम करे चाहिला वही जा रह के संभव नहीं, ओकरा खातिर हमके शहर जाए के पड़े। तो चल जा भौजी, रानी की चिंता तू छोड़ दा, हम संभाल ले। हम शहर घूमे खातिर ना, बिजनेस करे खातिर जाए चाहता नहीं, ओकरा खातिर मोट रकम चाहिए जोन हमरा पास नहीं है। तो हार आत्मा का कहना कामयाब हो जाएगा। 101 आना, नाकाम होके का कोनो गुंजाइश नहीं है। ठीक बा, हमसे जितना बन पड़ी हम मदद करो। अरे अब तक खुश हो जाए यार, चला। एक बात थी। कहा का कह जाता रहा? ये सब सही होता कि गलत ये तो हमके नहीं के पता,
लेकिन आज के जमाने में सब केहू अपना खून खानदान बदे भी ना करेला जितना रुआ दूसरा खातिर करता नहीं। मालती, अपना खातिर तो कुकुर बिलार भी जियेला हो, बाकी जे दूसरा खातिर जियेला ना उहे असल इंसान होला। चाहे लाख मुसीबत आ जाए, इंसान के अपन इंसानियत ना छोड़े के चाहिए। और वैसे भी हसमुख कोनो दूसरा आदमी थोड़े हों, अरे भाई वो अपन समझी हों। तू चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए, भरोसा रखा। जब बहुत दिन हो गए और हसमुख को कोनो खबर ना आई तो तुहार बाबूजी हुनकर पता लगाना खुद ही सर देना। अरे आप लोग कुछ सुनी रहे हैं? आप अपने पार्टनर से कब होना जाय करिए, करोड़ों के व्यापार में घाटा नफा तो होते रहे। हसमुख जी, इनसे मिली, ये है धनी राम। हेलो। अरे काहे का धनी राम, अब तो सिर्फ नाम का ही धनी राम हूँ। मजाक अच्छा कर लेते हैं। हसमुख जी एक बात बताइए। हाँ? आपकी इतनी जल्दी कामयाबी, हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? धनीराम जी। हाँ? सहारे की जरूरत अपाहिज को होती जो कभी आसमान नहीं छू सकता। आपकी तरह मैं उधार की किस्मत लेकर नहीं पैदा हुआ, अपनी किस्मत खुद लिख कर आया। कोई और नहीं बल्कि अपनी सोच और मेहनत के बल पर मैंने ये कामयाबी हासिल की है। अरे हसमुख, तू तो एकदम साफ लगाता रहो, देख के जी हरियर आ गई। राजू जी साहब, साहब को गेस्ट हाउस में ले जाओ, जा जाके तू आराम करा, हम थोड़ा सा बाद में मिला, अब भाई हम बहुत बिजी बने। ठीक बा ठीक भाई यार, लेकिन घरे तो मिल रहा। हसमुख भाई, ई के बा बेवकूफ आदमी। हसमुख, ई हमके बेवकूफ कहता रे? अब तू चुप बड़ा। अरे यार बता दा सबके कि हम तो आज लंगोटिया यार हैं। अरे तो आज समझी है बंसीलाल। जुबान के लगाम दबंसी, दोस्ती यारी नाते रिश्तेदारी बराबरी वालन से होला, भिकारियन से ना। मजाक करता रे, बचपने से मजाक किया हूँ। बंसी, आपन हैसियत और हमार रुतबा देख ले तोरा के खुदे पता चल जाए कि हम मजाक करता नहीं, कि तोहरा के तोहार औकात दिखावत। औकात? औकात तू अपन भुला गई बड़ा हसमुख। अरे मौत के मुंह से खींच के तोहरा के जिए के राह दिखौनी। आपन जमीन जायदाद अपने मेहरारू का गहना गिरवी रख के तोहरा के बिजनेस करे खातिर रुपया देनी, ताकि तू कोनो लायक बन जा। लेकिन तू तो एकदम नालायक बन के ले रे। पुरुषोत्तम जी, बहुत बुलंदा इला, जितना सुनना आवाला ना हर लिए, जितना देले रला उसे कई गुना ज्यादा मिल जाए। ला उठा के सफा हो जाए। अरे उठा के निकल जा। हसमुख जी एंजॉय करा, एक कर बात में मत आवा। अहंकार आदमी के आनहर, दौलत का नशा आदमी के बानर बना देला रे। ई कागज का टुकड़ा कोनो उल्टा औरत से कम ना होला, ये संभाल के रख ना, तो कोनो दिन पलक झपकते ही घर और बार दोनों बदल डाली। देवन जी शांत हो जा, ना तो धक्का मार के घर से बाहर निकलवा। पूरा कर ले, अरे वो अरमान पूरा कर ले। अरे हमके तो अपन दोस्त माने से इनकार कर दे ले, बाकी हमरे बेटा के अपन दामाद माने से कैसे इनकार कर बे। पुरान बात भूल जा बंसी,
भूत समय का फेरा रहे जिसके घेरा में हम फंस गई। बाकी अब तो हम आजाद बानी, तोर हमार कोनो रिश्ता नहीं खे और न रही। गलतफहमी में पड़े ते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़े। रिश्ता नाता ना तो जबान से जुटेला और ना टूटेला। तोरा सोचा गुरूर के चकना चूर करके हमार बेटा एक दिन तोरा बेटी के अपन दुल्हन बना के ले जाई, ये हमार वादा बतो से। तोरी सपना कब पूरा ना होगी ये तो समय बताई हसमुख, जिनने हमरे घर का अनाज और नमक बा बहू के दे दी है, खाई तो उकरे खून का गंदगी साफ हो जाई। ले अरे कब जी कब है मानती तुहार शक सही निकला।